हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं रवि। आप देख रहे हैं आरके इंडियन टेक। आरके इंडियन टेक के इस नए वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आप सर्विस प्लस के वेबसाइट से जब अपना जाति, आवासीय और आय के लिए आवेदन करते हैं तो आप किस तरह से करेंगे। यानी कि हमको कहने का मतलब यह है कि आप यानी कि लॉग इन करके आवेदन करने में बेस्ट है या फिर यहीं डायरेक्ट आवेदन करने में। तो इसका हम प्रोसेस यानी कि इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले हम एक वीडियो बनाकर आप सभी को बताए थे कि आप यानी कि सर्विस प्लस का एक नया अपडेट आ चुका है जिसमें आप पहले वाला यूजर आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं। एक मेरी पहचान का यूजर आईडी और पासवर्ड बना करके न्यू तरीके से लॉगिन करना होता है। तो आप अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। दोस्तों, हम अभी serviceplus.bihar.gov.in के वेबसाइट पर आ चुके हैं। इस वेबसाइट का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली यहां पे आ सकते हैं। दोस्तों, इसको में सबसे पहले हम बात करते हैं यानी कि डायरेक्ट यानी कि बेडॉट लॉगिन, बिना लॉगिन किए हुए डॉक्यूमेंट्स यानी कि बनाने का, जाति, आवासीय, आय या किसी भी प्रकार का। तो इसमें दोस्तों यानी कि होम पेज पर ही दे दिया गया है लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं। इसमें समान प्रशासनिक विभाग पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करिएगा तो दोस्तों आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन यानी कि खुल करके आ जाता है। यहां से आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन करा सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र का या आय प्रमाण पत्र का निर्गमन, नॉन क्रिमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन, नॉन क्रिमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गम केंद्र सरकार के द्वारा करवा सकते हैं, या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र का निर्गमन। यानी कि दोस्तों आप यहां से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को इशू करवा सकते हैं ऑनलाइन। तो चलिए, अगर आप आवासीय प्रमाण पत्र अगर आपको बनाना है तो इसको आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों तीन ऑप्शन खुल करके आ जाता है, अंचल स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर। दोस्तों, सबसे पहले आपको अनुमंडल स्तर पर यानी कि आपका बनाया जाता है आवासीय अगर बनवाना है तो बनेगा, उसके अनुसार यानी उसी के बेस पर अनुमंडल स्तर पर बनता है। और अनुमंडल पर जब बन जाता है तो उसी के बेस के अनुसार यानी कि जिला स्तर पर बनता है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि यहाँ पे यानी कि तीन तरह से तीन लेवल पर यानी कि सर्टिफिकेट को इशू किया जाता है। पहला प्रखंड स्तर पर, दूसरा यहाँ पर यानी कि अनुमंडल स्तर पर, और तीसरा जिला स्तर पर। उसके बाद दोस्तों आप यहां लॉगिन करके भी बनवा सकते हैं। लॉगिन करके बनवाने के लिए आपको यहां लॉगिन पर क्लिक करना है। दोस्तों, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है और यहां लॉगिन करने के लिए आगे बढ़ें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह का यानी कि इंटरफेस खुल करके आ जाता है। आप यहाँ से देख सकते हैं, साइन इन टू योर अकाउंट विथ मेरी यानी कि जन परिचय। दोस्तों, अगर आपने आईडी और पासवर्ड नया वाला यानी कि जन परिचय का आईडी पासवर्ड नहीं बनाया है तो हम यानी कि एक वीडियो बनाकर बताए हुए हैं कि किस तरह से आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है। उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर उस वीडियो को देख करके आप यहां पे आईडी पासवर्ड को बना लीजिएगा। यहां पे लॉगिन करने के लिए तीन ऑप्शन दिया जा रहा है। दोस्तों, आप यहाँ यूजर नेम के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से या फिर अदर माध्यम से। तो चलिए, मैं अपना मोबाइल नंबर के थ्रू यहाँ पर लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। लॉगिन करने के लिए दोस्तों इंटर या मोबाइल नंबर, यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर को इंटर करना है, जो भी मोबाइल नंबर के साथ जन परिचय आईडी बनाए हैं। उसके बाद यहाँ अपना पासवर्ड को फिल कर लेना है, जो भी पासवर्ड आपने बनाया है उसको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो चलिए, मैं अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड को फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। दोस्तों, मैंने अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड को फिल कर दिया है। फिल करने के बाद दोस्तों आपको इस दोनों को यहाँ पर टिक कर देना है और यहाँ पर दोनों को जगह आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ साइन इन पर क्लिक कर देना है। साइन इन पर क्लिक करते हैं दोस्तों, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है, उस ओटीपी को यहाँ पे ही फिल कर लीजिएगा। अगर ओटीपी अगर आपके मोबाइल नंबर पर नहीं आता है तो यहाँ रीसेंड ओटीपी पर क्लिक करके आप दोबारा से ओटीपी को मंगवा सकते हैं। तो चलिए, मैं अपना यहाँ पे ओटीपी को फिल कर लेता हूँ। दोस्तों, ओटीपी को फिल करने के बाद आपको यहाँ साइन इन पर क्लिक कर देना है। साइन इन पर क्लिक करते ही दोस्तों आप सक्सेसफुली यानी कि लॉगिन हो जाते हैं। आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का है। लॉगिन होने के बाद दोस्तों आपका यहां पे नाम आ जाता है, आप यहां पे देख सकते हैं कॉर्नर में आपका यहां पे प्रोफाइल आ जाता है, आप यहां पे देख सकते हैं। दोस्तों, यहां पे जिस भी लैंग्वेज में आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं यहाँ से आप अपना लैंग्वेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश दिया हुआ है, बहुत सारे यानी कि हिंदी दिया हुआ है, जिस भी लैंग्वेज में आपको यूज करना है उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं।
इस अपना यहाँ प्रोफाइल वाला आइकन पर क्लिक करिएगा तो आपका यहाँ पर प्रोफाइल आ जाता है, आप देख सकते हैं, आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ अप्लाई फॉर सर्विसेज पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे टोटल सर्विसेस आ जाता है, आप यहाँ से देख सकते हैं सर्विस नेम, सीरियल नंबर, और यहाँ यहाँ पे देख सकते हैं यानी कि आप जिस भी चीज़ के लिए, जिस भी डॉक्यूमेंट्स के लिए आप यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं आप ऑनलाइन यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम आपको बता दें कि लॉगिन करके बनाने में क्या फ़र्क है और बिना लॉगिन किए बनाने में क्या फ़र्क है। लॉगिन करके बनाने से आपको एक फ़ायदा है दोस्तों कि आपका यहाँ पे यानी डाटा सेव हो जाता है कि आपने किन किन लोगों को, कितना लोगों को यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन किया है, और डायरेक्ट आप बनाते हैं तो उसका आवेदन नहीं सेव होता है, आप मतलब कि केवल रिसीविंग जनरेट हो जाता है, उसी रिसीविंग से डाउनलोड कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे दोस्तों कि किस तरह से लॉगिन करना है, किस तरह से क्या करना है। दोस्तों मैं एक सीरीज लाने वाला हूं जिसमें सर्विस प्लस वेबसाइट से जितने भी तरह का डॉक्यूमेंट्स बनाया जाता है सभी को एक एक वीडियो में एक एक करके समझाने वाला हूं कि किस तरह से आपको जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन करना है, किस तरह से आवासीय के लिए ऑनलाइन करना है, और किस तरह से आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना है। यानी आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि इस तरह का हेल्पफुल नॉलेज, हेल्पफुल कंटेंट उन्हें भी मिल सके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।